नमस्कार, चैनल वन में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल खत्री। दर्शकों, आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसा क्लब, सीनियर क्लब खोला है जहाँ पर बुज़ुर्ग सीनियर सिटीज़न जो हैं वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहाँ पर एक फैमिलियर सा माहौल रहेगा। वहाँ पर जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वहाँ आएंगे, नए नए दोस्त बनाएंगे, एक फैमिली की तरह वहाँ पर रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा गेम्स इंजॉय करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बातें शेयर होंगी, वहाँ पर योगा क्लासेस होंगी। जितने भी आजकल आप देख रहे हो, अगर छोटे बच्चों की बात करें, पेरेंट्स जो हैं उनको घुमाने फिराने के लिए पार्क्स में ले जाते हैं, संडे एंजॉय करने के लिए, कभी वीकेंड एंजॉय करने के लिए, कभी छुट्टी एंजॉय करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जिनके बच्चे खासकर जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं और जिनके माँ बाप यहाँ पर घर पे अकेले हैं, उनका टाइम स्पेंड नहीं होता, वो टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए, वो ज़िंदगी के सुनहरे पल को गुजारने के लिए अच्छी यादों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, ऐसा ही एक सीनियर क्लब बनाया गया है जिसके फाउंडर हमारे साथ हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं उनसे, मिलाते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। सीनियर्स स्पोर्ट्स सर्विस क्लब, ये एक कंसेप्ट है जिसमें हमने ये सोच के चल रहे हैं कि जो लोग एल्डरली हैं और जो घर में वैसे ही फोर सेकन हैं, उनका कोई काम काज नहीं है और वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, तो हमने एक सपोर्टिव टाइप ऑफ क्लब का आगाज़ किया है ताकि इन लोगों को हम उस क्लब में ले जाएं और फिर वो आपस में एज ए कम्युनिटी बैठें और आपस में कोई बातें करें, कोई अपने गेम्स खेलें। फिर हमने ये भी अरेंज किया है कि वहाँ पर उनके लिए कोई योगा क्लासेस होंगी और कोई डेंटल केयर्स के लिए भी प्रोविजंस हैं, प्लस फिजियोथेरेपी के लिए भी प्रोविज़न है। अब एक्चुअली ओल्ड एज प्रॉब्लम जो है वो एक डिजीज़ है। अब ये बीमारी जो है एक पॉइंट पर नहीं है, ये हर एक आदमी को अफेक्ट करती है बहुत से एरिया में। जैसे अगर लोनलीनेस एक फैक्टर है जो अपने आप में ही एक बीमारी है, क्योंकि इसमें बहुत से जो हैं साइकोलॉजिकल डिजीज़ और न्यूरोलॉजिकल बहुत सी डिजीज़ जो हैं अपने आप पैदा हो जाती हैं। फिर इसी एज में आगे जो प्रॉब्लम आती है वो बोनी लीजन्स होते हैं, इनकी जो प्रॉपर अगर एक्सरसाइज नहीं हो रही तो डिजीज़ हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और जनरल मस्कुलर वीकनेस होती जब ये लोग चल नहीं सकते हैं, तो इनको एक सपोर्ट चाहिए एक्चुअली, जिसमें इसका जो मेंटल अरेंजमेंट्स, जो भी सोच है वो चेंज की जाए ताकि वो एक कम्युनिटी में, फिर इनके माइंड में जो है एक सेटिस्फेक्शन आती है कि दे आर लिविंग, यानी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वेश्चन यही है कि इनको क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव रखी जाए। तो अगर हम ये विचार लेके चलें और कि ये जो एजिंग एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके जो कारण, जैसे हमको सोच रहे हैं कि आज हर एक जो बच्चा है वो अपनी प्रोग्रेस चाहता है और जनरली ये पेरेंट्स हैं वैसे तो ये फिर अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं कि अब जी चलो बच्चा एक अपनी पोजीशन में, लेकिन बच्चा की अपनी मजबूरी हो गई कि वो इन एल्डरली को देख नहीं सकता, तो एक साइड में वो प्रोग्रेस से ये जो लोग हैं, अब कई घरों में हम देखेंगे कि लोग कहीं बाहर चले गए हैं दूसरे देशों में तो ये अकेले, और ऐसा भी हुआ कि यहाँ सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन है, क्योंकि सपोज वाइफ नहीं है तो वो अकेला है और उसकी जो लाइफ, मैं तो कहूँगा उसको रैक, यानी बिल्कुल बेचारा तबाह हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हमने चेंज करना है और हमारा इस जो मुद्दा था भाई इनको कोई हेल्प की जाए, तो इसमें हमने कोई रिम्यूनरेशन इनसे
ऐसा हमने कोई विचार नहीं रखा कि हम इसमें कोई जो कोई कास्ट इन्वॉल्व है कोई उससे हम कोई हमारे दर्शक जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपने क्लब खोला है कि जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्या यहाँ पर कोई फीस रखी गई है यहाँ पर? हमने कोई इसका मेरे जो इंग्लिश वर्ड्स में विदाउट इनकमरेंस, यानी जो भी इनको कोई पेमेंट नहीं है। तो कहाँ पर है, क्या एड्रेस है जरा? हाँ, ये जो ये क्लब एक चौधरी में है, जो कि अगर नेशनल हाईवे में हम चौधरी रोड में चले जाएं, जो बीरपुर की तरफ रास्ता जाता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे तो दो लैंडमार्क्स जो हैं वो काउंटेड होते हैं। एक आरएम स्कूल है जो लैंडमार्क है, दूसरा है हिल टॉप बैंक्वेट हॉल। आप जो हिल टॉप बैंक्वेट हॉल के बिल्कुल एडजाइनिंग में ये क्लब लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं, इस समय क्लब की बात करो, ये किचन है, ओपन किचन, और हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए एक किचन में, खासकर जो मॉडलर किचन होती है, मॉडल किचन होती है, उसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। और काफ़ी साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितने भी लोग जो कि टाइम स्पेंड करना आते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, उनको मौका भी मिलता है यहाँ पर अपने नए दोस्त बनाने का और दोस्तों के साथ गप्पे मारने का भी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ हैं, कुछ हमसे भी बात करवाने की कोशिश करते हैं। आप मैं क्या कहेंगे इस क्लब के बारे में, क्योंकि बहुत सी देखी मैंने एनजीओस खुली हुई जो बड़े बड़े वादे करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, शायद वो काम भी करती होंगी, लेकिन जहाँ पर पैसा ना हो वहाँ पर भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलना और लोगों का एक साथ इकट्ठा होकर एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें कितनी मैटर करती हैं? ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे आई, मैडम मल्होत्रा ने मुझे इसके बारे में बताया, तो जैसे ही हमने यहाँ पे आके सब देखा, इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है और इतना सूदिंग इफेक्ट फील कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और मुझे लगता है कि इसमें हमारे सीनियर सिटीजन्स खासकर और जिनके बच्चे बाहर हैं उनको खुद एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा। ऑल एवरीथिंग विल बी इंक्रीज, लोगों को पता चलेगा देयर बी अ क्राउड, लॉट ऑफ पीपल विल कम। और दर्शक जो है ये भी बड़े एक नेक आदमी के हुए, इनको इतना शौक है तो चुपचाप काम करते हैं, कोई हंगामा नहीं तो कुछ नहीं। और इन्होंने बहुत से फंक्शन किया है, जैसे इन्होंने नाम रखा है, क्या नाम रखा, लाजवंती जी मेडिकल, और वो मेडिकल सर्विस है और इसको लोगों को बड़ा बेनिफिट होना है। आगे पीछे गाँव के लोग हैं, इन लोगों गाँव में पहुँच भी सकते हैं और ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। यहाँ पर जरूर मेडिकल का यूनिट भी रखेंगे यहाँ। जो लोग खासकर जब अकेले रह जाते हैं बुढ़ापे में, जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ने गए हैं, या कईयों के बच्चे कुछ इस तरह भी होते हैं कि बिजनेस के सिलसिले में हफ्ते में 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाहर ही रहते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि अगर आप अपने बच्चों की बात करो, अपनी बहुओं की बात करो, तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और वो अकेले घर पर रह जाते हैं, तो वो अकेलापन जो है वो अपने आप में एक बीमारी है, वो एक साइकोलॉजिकल तौर पर एक मानसिकता जो है इंसान की वो कहीं ना कहीं अंदर से झंझोर के रख देता है, अंदर से इंसान टूट चुका होता है, उसके पास बस ज़िंदगी में दिन काटने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। तो इन्होंने एक सीनियर क्लब बनाया है और जिसकी सबसे बड़ी बात है कोई फीस नहीं है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, आप वहाँ पर मेडिट कर सकते हैं, आप वहाँ पर आइए, वहाँ पर आप नई फैमिली के साथ जुड़िए, नए दोस्तों के साथ जुड़िए, वहाँ पर योगा क्लासेस हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप की तरह भी वहाँ पर ट्रीटमेंट होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आपको नए दोस्त, नए फैमिली और दोबारा से ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका जो है वो मिलेगा, और जिसके कोई चार्जेस भी नहीं है। आप इसी तरह जुड़े रहिए चैनल वन के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त मुकेश के साथ, राहुल खत्री चैनल वन के लिए।
कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। शेरे कश्मीर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ी ब्राह्मणाथ चौक, रिकॉग्नाइज्ड बाय J&K गवर्नमेंट एंड एफिलिएटेड विद J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आइडल सिचुएटेड इन पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। एडमिशन ओपन फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th क्लास, मेडिकल नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो लैब, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासेस, well qualified and experienced staff, computer classes. All the school building has been covered under CCTV camera. For admission contact Shere Kashmir Public Higher Secondary School Badi Brahmana Jammu, phone number 9858190820, 9858912145, 9796216622, 01923-222883. For advertisements in Channel 1, please contact on 700-644-869.